तो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, देखिए द ग्रेट खल्ली सर हमारे आंखों के सामने, हमें विश्वास नहीं हो रहा। और अभी हमारे साथ सर फोटो खिंचवाएंगे और इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे हम। तो अभी हम द ग्रेट खल्ली सर के ढाबे के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अभी हमने ऑर्डर किया है चाय का, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भारतीय रेसलर WWE द ग्रेट खल्ली का ढाबा। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं द ग्रेट खल्ली का ढाबा। तो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, देखिए द ग्रेट खल्ली सर हमारे आंखों के सामने, हमें विश्वास नहीं हो रहा। और अभी हमारे साथ सर फोटो खिंचवाएंगे और इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे हम। ये देखिए खल्ली सर आए हमारे साथ फोटो खिंचवाने, उससे पहले देखिए आपको यहाँ का जो खल्ली सर का ढाबा है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे शनिवार और रविवार रेसलिंग भी होती है। वीडियो नहीं है, फोटो होगी। तो अभी हम द ग्रेट खल्ली सर के ढाबे के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अभी हमने ऑर्डर किया है चाय का, क्योंकि बाकी की चीज़ क्या है हमारी पहुँच से वैसे बहुत बाहर है। चाय भी यहाँ जो प्राइस है चाय की वो भी 50 रुपये है, तो हमने 4 चाय ऑर्डर की है। ये देखिए कितना शानदार ढाबा है। ये अंदर एक और रेसलिंग लगी हुई है। आज का दिन हमारा सफल हो गया, द ग्रेट खल्ली सर से मुलाकात भी हुई और कुछ बात भी की, लेकिन उसका क्या वीडियो हम शो नहीं कर सकते, उन्होंने वीडियो के लिए मना कर दिया। तो द ग्रेट खल्ली सर हमें मिल गए, उनके साथ हमने फोटो भी खिंचाया। तो कैसा लगा आपको द ग्रेट खल्ली सर से मिल गए? बहुत ही, हम ग्रेट खल्ली सर से मिले थे और हम सिर्फ रोड पे निकल रहे थे उस टाइम पे, हमने ये ढाबा देखा और हम देखने आए चलो कि खल्ली सर का ढाबा देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आ गए तो हमारे खल्ली सर मिले बैठे और उन्होंने फ़ोटो के लिए भी वो तैयार हो गए, हमारे साथ फ़ोटो भी लिया और हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी उनके साथ में। और उसके साथ हमने फिर अंदर भी गए, हमने चाय भी पी जो कि 50 रुपये की थी। और हम आते वक्त कोशिश करेंगे कि यहाँ जो रेसलिंग मैच होता है शनिवार रविवार को, तो आते वक्त हम कोशिश करेंगे यहाँ रुकेंगे और यहाँ का एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, एक ब्लॉग बना के। तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ का एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको रेसलिंग दिखाई जाए। यहाँ पे रेसलिंग होती है शनिवार और रविवार। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हम जालंधर से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और हाईवे पे एक होटल पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ खाएंगे अभी हम रात का डिनर, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अभी रात की 9 बज चुकी है। चुका है, अभी हम खाना खाते हैं।
और चेहरे की हालत तो पूछो मत, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ट्रैवलिंग करके बाइक पे। तो अभी हम यहाँ से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसके बाद आगे का सफ़र अभी और तय करना है हमें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंजाब के लुधियाना में, और जो यात्रा है हमारी वो लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर की हो चुकी है। और अभी हम यहाँ करने वाले हैं नाइट स्टे, और रात की अभी बज चुकी है 12, तो आज की नाइट यही होल्ड करते हैं और उसके बाद सुबह वापस उठ के आगे का सफ़र लद्दाख का शुरू करेंगे। तो ये है होटल जहाँ हमने रूम लिया है, अभी हम आपको रूम दिखाते हैं। तो ये है हमारा रूम, ये हमारा सामान, और यहीं आज की नाइट हम स्टे करते हैं और अब आपको बोलते हैं गुड नाइट। ये देखिए 12:09 हो चुके हैं, देखिए चेहरे की रंगत उड़ चुकी है और ऐसी हालत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि 1000 किलोमीटर बाइक राइडिंग की है, सुबह 6 बजे से लेके रात की भी 12 बज गई है और अभी हम हैं लुधियाना पंजाब। तो ठीक है, शुभ रात्रि, और अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल सवेरे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।